स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने किसानों के फसल के दाम तय करने का जो ऐलान किया है, कल हमने देश के तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ, केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ काफी विचार विस्तार से हमने चर्चा की थी और इसे दिल्ली में कैसे लागू किया जाए उसको लेकर के सरकार काम कर रही है। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देश में पहली बार दिल्ली में लागू होने जा रही है और इस खबर के बाद आज दिल्ली के, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बहुत जिम्मेदार किसान नेता और जो यहां जिम्मेदार किसान हैं वो आज यहां पर आए, जिनसे हमने चर्चा की है कि दिल्ली के अंदर किसानों के लिए क्या बेहतर हम कर सकते हैं, हरियाणा पंजाब में जो किसान हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उसका वो समाधान कैसे ढूंढते हैं, तो इन सारे बिंदुओं पर काफी विस्तार से बातचीत हुई है। अभी हमने ये तय किया है कि इस हफ्ते हम केंद्रीय किसान जो कृषि मंत्री हैं उनसे भी हम लोग मिलेंगे, जिससे कि दिल्ली के अंदर जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का जो अभियान सरकार चला रही है उसमें केंद्र सरकार से हमें सहयोग मिले और दिल्ली को हम एक रोल मॉडल बना सकें, जिससे किसानों का जो दुख दर्द है, उनकी जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, आज सबसे ज्यादा संख्या है किसानों की, सबसे ज्यादा मेहनत किसान करता है लेकिन सबसे ज्यादा अपमानित है और सबसे ज्यादा तकलीफ में जीता है, तो उसके समाधान की तरफ रास्ता बन सके इसके लिए आज हम लोगों ने चर्चा की है और मैं जल्द ही केंद्रीय कृषि मंत्री से भी मिलूंगा और मिल करके उनसे भी हम सहयोग लेंगे और हमें भरोसा है कि दिल्ली के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों का दाम तय होगा और दिल्ली से जो शुरुआत है वो निश्चित रूप से हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी और देश के किसानों को भी और वहां की सरकारों को भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। इस रिपोर्ट में क्या पैरामीटर है दाम तय करने का? इसमें जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो पैरामीटर है कि किसान की जितनी लागत होती है उस लागत में उनकी मजदूरी को जोड़ करके जितना खर्चा आता है उसमें 50% जो है मुनाफा जोड़ करके उनका लागत तय किया जाए। तो अभी जो दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित की है फसल के लिए वो लगभग गेहूं के लिए 1800 रूपये है। दिल्ली के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद जो रेट अभी आ रहा है प्रस्तावित रेट वो 2600 रूपये का आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़े पैमाने